वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय क्या कर दिया मोदी जी? काहे को वापस ले लिया? अपना इंसल्ट का बेइज्जती करवा दिए एकदम। बेचारे एंकल लोग का कैसा हालत हो रहा होगा, ये रो रो के बेचारा। ही पहले तो ये फायदा बताइए कृषि कानून का, ही एक साल तक, अभी नुकसान बताओ। आपको तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं, अपना ये संबोधन किए निकल गए। हमको भुगतने पड़ते हैं सब चीज। पापा कहा कर दिए, पापा कहा कर दिए। अभी देखना ये फोन पे फोन बजेगा ही, हम ही बंद कर देंगे अभी फोन को। ये सब राजेश सुनाएगा हमको। हमको तो लगता है ना ये राजेश वाजेश ही सही बोलते हैं। ये बोलते हैं ना ये 56 इंच आपके ये छाती के साइज नहीं है, वो कमर के साइज है। वो टेलर वो पर्ची पे जब वो कपड़ा बनवाने गए थे ना, तो टेलर गलत लिख दिए थे, छाती की जगह वो कमर का साइज, कमर की जगह वो छाती का साइज। आप सही समझ लिए, सही बोलता है लोग। और जो ये बोलता है ना कि आप शेर बेर नहीं हो, उस शेर के भेष में आप, हमसे बोले नहीं जा रहे। हमको तो ये एंकर का सोच सोच के रोना आ रहा है। और वो कंगना दीदी के कैसे हालत हो रहे होंगे, कहीं ये पद्मश्री वापस ना कर दें अपना ही गुस्सा में। हमको डर लग रहे हैं इस सिक्योरिटी पिकॉटी और नेशनल अवार्ड पवाड़, बहुत गुस्सा वाले हैं कंगना दीदी। आप आपके वजह से हो रहे हैं सभी। और वो जो आप पेमेंट पकड़े रहे हो अपना फ्रेंड लोग से, पेमेंट वापस करने पड़ेंगे का? वो लोग तो अपना गोदाम बोदाम सब बना लिए थे, आपके वजह से हो रहा। ये जो हमारा बेइज्जती हो रहा है ना, चुनाव के वजह से करते। हमको भी लग गए हैं, हमको लग गए हैं। ये जो पंजाब पंजाब में चुनाव आ रहा है ना, ये खालिस्तानी टुकड़ा टुकड़ा ये आतंकवादी। आप क्या बोल रहे थे किसान? हम 1.5 साल से ये खालिस्तानी आतंकवादी वो सब बोल रहे हैं, आप ही संबोधन में किसान बोल रहे हो। ये देखो कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। तपस्या? आपके तपस्या गलत नहीं थे मोदी जी। अडानी एकदम खुश, भगवान एकदम खुश थे आपके तपस्या से। आप ही पता नहीं काहे डर गए। चुनाव जब हमने बिहार में इलेक्शन आए थे तो बिहारी बन गए थे। देखो कैसे बोले थे लोगन सबसे। अभी पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं तो पंजाबी हो गए एकदम, तुसी तुसी करो पूरा, जैसे वो तू तड़ाक करते ओबामा से। वो ओबामा ई ट्रंप ई सिंजिंग जिंजिंग का सब आपके बात समझते हैं। आप क्या बोल रहे हो? ई किसान लोग को नहीं समझा पाए? हम कैसे समझ जाते हैं? हम नहीं समझते आपका बात, ई किसान भी समझ लेता ही। देखो क्या बोले हो? कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ऐसे बनेंगे बिस्कुरु? खालिस्तानी आतंकवादी बात नहीं समझा पाए वो। सबसे ज्यादा डर तो हमको युवराज के लग रहे हैं, कांग्रेस का जो युवराज है। ये चढ़ जाएंगे एकदम पूरा, बोलेंगे हम तो पहले ही बोल दिए थे ये वापस लेने पड़ेंगे। बोले थे ये राहुल गांधी गारंटी दिए थे कि आपको वापस लेने पड़ेंगे, आप ले लिए वापस। भाई बताओ हमको, जो अब भी इलेक्शन हार गए, पता है हमको ये चुनाव के वजह से किए हैं? हम मानेंगे ही नहीं। ये पंजाबी पंजाब में जो इलेक्शन आ रहा हो पूरा पूरा देखें हम संबोधन, ये पंजाब के वजह से, खालिस्तानी के वजह से किए। अब भी हार गए तो बताओ हमको, अब भी हार गए तो क्या करोगे और का वापस लोगे? हम बता रहे हैं ये जो आप कांड कर दिए हो ना, अभी सब लोग को आग लगेगा। ये अब सब लोग को लग जाएगा कि ये तो डरपोक है, ये वापस ले लेते हैं। ये बैंक, ये रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब चीज़ जो आप बेचे हो ना, ये सब चीज़ का एम्प्लाई अब ये किसान लोग के जैसा करेगा। ये बता रहे हैं हम, जीतोगे नहीं ऐसे, इलेक्शन हारोगे, पक्का हारोगे, ये फायदा नहीं होंगे ये जो किए हो ना डर के ही। और क्या बोले ही? अभी जो बोल रहे थे कि क्षमा, ये खालिस्तानी आतंकवादी टेररिस्ट इन लोग से क्षमा मांगोगे? हमसे मांगो क्षमा मांगने तो हमरा हुए बेइज्जती। ये आ गए राजेश के फोन, ही मजाक उड़ा लेते तो फोन बंद कर दो। राजेश फोन करें, इंसल्ट का ऐसा बेइज्जती करवाया मोदी जी।